हेलो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंप्लीफिकेशन और हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के पास x इक्वल टू 943 प्लस 864 स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1886 मल्टीप्लाई बाय 1728। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नंबर भी सेम है, नंबर भी क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। या तो हम लोग यहां इसे तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तीन तरीके से। देखो एक तो हमें ये दिख रहा है कि ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। पहले इस मेथड से कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी 943 है ए, और बी कितना है, बी कितना है 943 माइनस 864 यही होगा, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। अब क्या होगा, ए माइनस बी 943 प्लस 864, ये तो वैल्यू है ए की। अब करेंगे हम बी की वैल्यू, माइनस 943। अब यहां पे क्या माइनस है ना, यहां पे क्या माइनस है, तो हम माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 864 डिवाइड में क्या हम लोगों के पास, डिवाइड में है 1886 मल्टीप्लाई बाय 1728। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। अब देखो यहां पे क्या होगा कि ये जो 943 है ये तो ऐड हो जाएगा, 864 यहां कैंसिल होगा, यहां क्या कैंसिल होगा, 943 कैंसिल होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 681886, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 886 प्लस 6 12 116 17 1728। और नीचे क्या है हम लोगों के पास, सेम नंबर है, यही नंबर दिख रहा है 1728, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 1। ये तो था पहला तरीका, ये क्या है पहला तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा हम लोगों को, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हम लोगों ने ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया, ये पूरी ए की वैल्यू है, ए रख दिया प्लस बी, बी क्या है 943 माइनस 864, ये माइनस साइन नहीं देखना, ठीक है, माइनस साइन हमने यहाँ देख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लो और फॉर्मूला लगा दो, उसके बाद ऐसा देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर देखा ए माइनस बी, ए क्या है 943 प्लस 864 माइनस, माइनस ये वाला माइनस नहीं जो फॉर्मूले में माइनस है, ये वाला माइनस बी, बी क्या है 943 और ऑलरेडी यहां पे माइनस है, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया है माइनस, यहां पे ऑलरेडी माइनस था और इसके साथ भी ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 864 पॉजिटिव का आ जाएगा, तो हम लोगों के पास आंसर निकल के आएगा 1। ये तो था हम लोगों का पहला तरीका, पहला तरीका कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये था हम लोगों का पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका, हम लोग अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है, ए प्लस बी यहां से दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 943 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a इंटू बी इंटू 864। ये तो हम लोगों ने सॉल्व किया किस चीज के लिए, पहले वाले टर्म के लिए। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 943 का स्क्वायर प्लस 864 स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस साइन लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 243 कितना हो जाएगा, ये 943 है, कितना हो जाएगा, ये 943 हो जाएगा 943 मल्टीप्लाई बाय 864, ये हो गए हम लोगों की न्यूमरेटर की वैल्यू। नीचे क्या है 1886 मल्टीप्लाई बाय 1728। अब क्या करें, अब देखो यहां पे क्या है माइनस है, यहां पे क्या माइनस है और ये प्लस है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बाहर लेके जाएंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा,
बाहर लेके जाएंगे तो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 943 मल्टीप्लाई बाय 864, ये कितना 1886 मल्टीप्लाई बाय 1728। इतनी बात क्लियर है यहां से? अब देखो, अगर एक टू हम ये देखो, या तो इसको एक टू दे दो और एक टू इसको दे दो, 943 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 864 मल्टीप्लाई बाय 2, इस टाइप से भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या करो, देखो ये कितना दिख रहा है 2 टाइम्स, ये कितना दिख रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइड में कितना हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हम लोगों के पास। क्लियर है बात? तो यहां से भी आंसर आ सकता है। ये था हमारा दूसरा तरीका। कौन सा तरीका? ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा के, और एक और फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये था दूसरा तरीका, ये था पहला तरीका, ये था दूसरा तरीका। अब देखते हैं हम लोग तीसरा तरीका, थर्ड तरीका क्या है, थर्ड टाइप। देखो यहां पे क्या हम लोगों के पास, देखो यूनिट डिजिट को देखना है, ये 3 है यहां पे, ये 4 है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे नंबर को, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 7, यूनिट डिजिट आ जाएगी 7 का स्क्वायर। यहां पे कितना आएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, है ना, ये माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 माइनस 1 होता है। डिवाइड में कितना है 8, 6 जा 48, तो यूनिट डिजिट आ गई 8। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा यहां से 3 प्लस 4 9 9 हो जाएगा, यहां पे 3 प्लस 4 कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों के पास 9, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से 7 का स्क्वायर 9, 49 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट की बात करें ना हम लोग, तो 49 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 1। क्लियर है? 1 आंसर आ गया यहां से, देखो यहां पे 1 आ गया, ये यूनिट डिजिट आई है, ये जो 1 है ना, ये यूनिट डिजिट आई है हम लोगों की। जहां भी यूनिट डिजिट आएगी ना 1, उसे रखेंगे, बाकी को क्रॉस कर देंगे, बाकी को कैंसिल कर देंगे हम लोग। कैसे किया, 3 प्लस 4 किया 7 आ गया, यहां पे कुछ आखिरी में यूनिट डिजिट 7 ही आएगी ना, 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49, यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, 9 आ गई। उसमें से क्या माइनस करना है, यूनिट डिजिट 9 में से 3 माइनस 4 कितना होगा माइनस 1, कितना होगा माइनस 1 हो जाएगा, यहां पे माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस था तो 9 माइनस 1 यूनिट डिजिट के लिए देख रहे हैं, यहां से 8, 6 जा 48 यूनिट डिजिट 8 आ गया, डिवाइड किया 1 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का, है ना। अब दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, दूसरा तरीका क्या था हम लोगों के पास, देखो यहां पे क्या हम लोगों के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यूनिट डिजिट से करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हम लोगों के पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, तो 6 बाई 6, तो यहां पे कितना आ सकता है हम लोगों का 1 आ सकता है, यहां पे 1 आ सकता है, और मल्टीप्लाई में फिर a माइनस b होता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये हो जाएगा ना, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, वहां से 8 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट डिजिट तब भी क्या आएगी 1। या तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर ले तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11 माइनस 2√30 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 माइनस 2√10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 माइनस 4√3। कैसे करेंगे इस चीज को सॉल्व, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या गिवन है, यहां पे गिवन है अंडर रूट, क्या गिवन है अंडर रूट। अब अगर हम अंडर रूट का सिंप्लीफिकेशन कर दें, क्या कर दें सिंप्लीफिकेशन, कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन से, रेशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 8 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन रहेगा तो अंडर रूट में, यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोगों के पास
ये पॉजिटिव बन के आ जाएगा ऊपर, लेकिन अंडर रूट हटेगा नहीं, अंडर रूट हटेगा नहीं, नीचे की बजाय ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बात कुछ नहीं है, करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये जो अंडर रूट है ना, ये क्या हो जाए, ये कैंसल आउट हो जाए, अंडर रूट कैंसल आउट हो जाए। और अंडर रूट को कैंसल आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, कौन सा, स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लें तो वो नंबर सेम ही रहता है, वो नंबर सेम ही रहता है। किसी भी अंडर रूट के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर देना, रूट टू, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू होगा, टू होगा ना। तो यहां से हमें नंबर वही निकालना है और देखना है कि क्या हम किस टाइप से इस फॉर्मेट को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि हम लोगों के पास स्क्वायर आ जाए इन नंबर से। अब देखो यहां पे 2√30 है, यहां 2√10 है, यहां 4√3 है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो यहां पे देखो क्या 2 का मल्टीपल बन पा रहा है, क्या 2 का मल्टीपल, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां तो 2 तो दिख गया, यहां भी दिख गया, यहां भी दिख जाएगा 2। कैसे दिख जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2√3, 4 को 4√3 को क्या लिख देंगे हम लोग, 2 × 2√3 लिख देंगे, तो 4√3 हो जाएगा यहां से। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो 2 के साथ क्या लगा हुआ है, 2ab के साथ क्या लगा, नेगेटिव साइन, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। अब क्या करें हम लोग, a माइनस बी, ये देखो 2 है, ab होता है, ये क्या होता है, ab, मतलब यहां पे क्या रहा होगा, यहां पे 6 और 5, 6 × 5 = 30, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 30 होगा। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, 6 और 5, जिनका सम 11 भी हो, 6 और 5, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी कितना होना, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर, a प्लस बी ही होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 6 × 5 = 30, 6 + 5 = 11, 2 × 5 = 10, 2 + 5 = 7। अब क्या यहां तो 3 है, यहां क्या है, यहां तो 3 है हम लोगों के पास, तो क्या करें, देखो यहां से 2 कॉमन निकल सकता है दोनों में, दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल लेंगे, यहां क्या बचेगा, 4 − 2√3, 4 − 2√3, √3 को लिखते हैं 3 × 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना होगा, 3 + 1, जो कि हो जाएगा 4, क्योंकि अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया है। दूसरा तरीका क्या है, यहां से हम लोग जो 4 लिखा है ना, 4 को लिख दे 2 × 2√3, जब 2 निकल के 3 के पास जाएगा अंडर रूट में, तो 2 का स्क्वायर रहा होगा अंदर, 2 का स्क्वायर रहा होगा, तभी वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंडर रूट 4, यहां पे अंडर रूट क्या रहा होगा, जैसे हमने किसे क्या लिख दिया, इसे 2√3 है ना। अब 2 × ये कितना हो जाएगा, 4 × 3, जब ये अंडर रूट में 4 रहा होगा तभी तो ये बाहर निकल के कितना रहा होगा, इसे ऐसा लिख दे, रूट 4 का क्या मतलब है 2, तो आ गया ना 4√3, आ गया ना 4√3 यहां से, तो इसका क्या मतलब है? इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4√3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब देखो 6 × 2 कितना होता है 12, 6 + 2 होता है 8, तो हम यहां से भी बना सकते हैं। हमारे पास तरीके बहुत सारे क्वेश्चन करने के, जिस टाइप से हमें इजी लगे या टाइम कंज्यूम कम हो, उस अप्रोच पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे उस अप्रोच को। अभी हम लोग क्या करने वाले, कॉमन निकाल के करने वाले। देखो यहां से हम लोगों को एक चीज तो पता लग गई कि ये स्क्वायर बन रहा है और यहां पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सिर्फ बात इतनी है कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है किसका स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट 6 − √5, क्योंकि दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 के बाद ए बी, वो नंबर दो कौन से हैं जिनका एडिशन भी 11 है। देखो यहां से करेंगे, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 6, यहां पे बी स्क्वायर होगा, ये बी क्या है, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 6 + 5 हो गया 11, −2ab, 2a × b, a इंटू बी 6 × 5 = 30, और 2 तो था ही हम लोगों के पास। सिमिलरली यहां क्या करें हम लोग, यहां किसका बनेगा 5 × 2, 5 + 2 कितना हो जाएगा √5 − √2, √5 − √2 का स्क्वायर है −4/। अब देखो यहां से क्या करें हम लोग, 2√3, 2ab बनाने के लिए, 2ab बनाने के लिए हम लोग क्या करें, √2 को कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा ये, यहां से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, 4 − 2√3। अब देखो कि ये किसका स्क्वायर है, कैसे देखेंगे, 2 के बाद जो नंबर रहेगा ना, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो कि ऐड करने के बाद वो आ रहा है क्या, उनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है। जैसे यहां √3 है ना, यहां √1 लगा दो, एक ही बात है, √1 मतलब 1 होता है, a भी बन गया यहां पे। अब देखो यहां पे क्या हो गया, a का स्क्वायर करेंगे, 2ab होता है ना, तो यहां पे a क्या है, a का स्क्वायर करेंगे हम लोग, b का स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं,
तो ये क्या चीज निकल के आई हम लोगों के पास, ये जो 4 बचा है ना, अब देखो यहाँ पे रूट 2 है हम लोगों के पास, क्या है रूट 2 है, तो रूट 2 को ऊपर ले जाओ, सिर्फ नीचे क्या हम लोगों के पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू जिसके पास अंडर रूट ना हो बाहर। देखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट है रूट 6 माइनस रूट 5, यहाँ जब कैंसिल हो सकता है रेशनलाइज करके तो कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई रूट 2। अब ये रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। अब कैसे करेंगे, अब बिल्कुल इजी हो जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या करें हम लोग, अब 1 डिवाइडेड बाय रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर किया तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब क्या करें, -2 रूट 2 ये अंडर रूट में रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट यहां पे लगा दिया हमने तो -2 रूट 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 1। अब क्या करें, अब रेशनलाइज कर देंगे हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में हम लोगों के पास आ रहा है एक रेशनल नंबर, ठीक है, दो नंबर ऐसे हैं जो कि रूट में। अब देखो रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो यहां पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां अंडर रूट ए माइनस बी है तो यहां पे क्या करेंगे रूट 6 प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, पहले तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट का 6 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, 6 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर हम -3 की बात करें, यहां से माइनस हटा दो, माइनस हम सॉल्व करते टाइम लगा लेंगे, हम 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 की बात करें अगर, तो क्या हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 से, साइन चेंज करके रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अब क्या करें, अब यहां से क्या हो जाएगी 3 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 डिवाइड में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, यहां से क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2, यहां क्या आया रूट 6 प्लस रूट 5। अगली बात देखते हैं, 2 रूट 2 हम लोगों के पास, यहां पे क्या है रूट 3 माइनस 1, यहां मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 1 से, यहां मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस 1 से, कितना हो जाएगा ये 2 रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 1, यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट 3 और बी कितना है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पे। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी थी पूरे की रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5, सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी थी माइनस साइन है, माइनस साइन है, हमने रेशनलाइज कर दिया तो डिनोमिनेटर जो था वो खत्म हो गया, सिर्फ न्यूमरेटर में आंसर आएगा। आप इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 की रूट 5 प्लस रूट 2, माइनस साइन लगा हुआ है, यहां भी माइनस साइन लगा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी रूट 2 इंटू रूट 3, माइनस साइन लगा हुआ है तो रूट 2। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा रूट 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये रूट 2 नेगेटिव हो जाएगा यहां से, और ये क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, ये 6 और रूट 6 कैंसिल माइनस में, ये माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, यही हमारा क्या होगा आंसर, माइनस 2 रूट 2 इज द आंसर। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखना है कि क्या स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, अगर हमने क्या किया रेशनलाइज कर दिया सबसे पहले ही, तो हमारा क्या होगा नंबर्स बड़े बड़े हुए लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, यहां से देखो 30 है, यहां पे 11 है, 10 है, लेंदी हो जाएगा। हम लोग ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, इसे कैंसिल करने के लिए अंडर रूट की जरूरत है, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर की जरूरत है। अब स्क्वायर कहां से बनाए, स्क्वायर बनाएंगे हम लोग इस नंबर से, देखो 2ab दिखा, 2ab दिखा, यहां से 2ab निकाल लिया हमने, फिर क्या करेंगे देखेंगे कि इन दोनों मल्टीप्लीकेशन का जो ए बी है ना, ए बी में ऐसे कौन कौन से नंबर छुपे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 होगा,
है ना, 30 होगा 65 होगा ना, या 15 2 होगा, तो 15 + 2 कितना होता है 17 हो जाएगा। मतलब जिनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर अंडर रूट में है, तो यहाँ पे अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड करना, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करना, ऐसा नहीं कि ऐड करने के बाद स्क्वायर किया, नहीं, स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है, सभी में करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे आखिरी में, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2√2। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के पास, इफ एन टू दी पावर आर माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/4 बी अ परफेक्ट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ टी आर, टी की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, +-2 1 2 +-1 और 2 3। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी एक नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोगों के पास क्या इक्वेशन देखने को मिल सकती है वाली, कि यहां से हम a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, a प्लस बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर a माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या है, a माइनस बी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हम समझेंगे कि यहां पे अलग है, थोड़ा सा यहां पे अलग है, लेकिन इतनी बात तो यहां पक्की है कि जो r की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, r की वैल्यू रहेगी 2। क्यों रहेगी 2, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात की जा रही है, तो जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो 2 रहेगी, कितनी रहेगी 2 रहेगी यहां पे। तो इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी 2, परफेक्ट स्क्वायर है ये तो मैक्सिमम, क्या क्यूब हो सकती है क्या, नहीं वहां से क्यूब नहीं हो सकती क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2, आर का स्क्वायर, एन का स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू 2 रखी तो एन का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या है, हम लोगों के पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमें a प्लस बी या फिर a माइनस बी के जैसा क्या दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीन है ना, यहां भी तीन आते हैं, यहां भी तीन आते हैं, क्या क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस 2ab, यहां हम लिखना चाहे तो माइनस भी लिख सकते हैं, यहां हम माइनस भी लिख सकते हैं, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या जनरली पॉजिटिव आना लेके चलते हैं, जहां नेगेटिव आना होगा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अब r की वैल्यू 2 हो गई तो इक्वेशन किसमें, इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस टी एन प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब यहां से अगर हम कंपेयर कर लें, यहां से हम कंपेयर कर लें इस चीज से, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ए स्क्वायर ये क्या है, प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस बी भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया हमने, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। हम कंपेयर करेंगे यहां से, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई n, है ना, b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 1/4। देखो यहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हम लोगों ने यहां पे a माइनस बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां तो नेगेटिव है, वो भी ले लेंगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा आंसर में। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, देखो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर के बराबर है, मतलब ए बराबर एन हो गया, यहां से 2ab की वैल्यू 2a मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू किसके बराबर है, -3 × n। कंपेयर करना है बस कुछ नहीं, यहां से क्या बात निकल के आती है कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी n, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है। यहां b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी +-1/2। अब यहां पे +-1/2 क्या आई, क्योंकि यहां पे एक ही स्क्वायर था, दो वैल्यू दे सकता है, यहां पे 1/2 रखेंगे तो भी 1/4 आएगा, यहां -1/2 रखेंगे तो भी 1/4 आएगा। अब देखो यहां पे a की वैल्यू n आ गई, देखो यहां पे a की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, n कितना आ जाएगा, 2 × n। अब b की वैल्यू क्या रखें, एक बार b की वैल्यू 1/2 रखेंगे, एक बार -1/2 रखेंगे, b की वैल्यू एक बार 1/2 रखेंगे, कितनी आ जाएगी, 1/2 रखा तो ये कितना हो जाएगा, -t × n, -t × n। अब यहां से क्या हो गया, यहां से ये चीज n से n कैंसिल हो जाएगी, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1।
यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। आंसर तो आ चुका है वैसे हम लोगों का माइनस वन, फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे b इक्वल टू किसके लिए, जब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस वन बाई टू रखेंगे। जब b की वैल्यू माइनस वन बाई टू रखेंगे तो टू टाइम्स n तो रहेगा ही, b की वैल्यू माइनस वन बाई टू रख दी, कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एन। एन से एन कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टी है, माइनस टी इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू वन, t इज इक्वल टू वन। तो हम लोगों के पास आंसर क्या निकल के आता है, t इक्वल टू प्लस माइनस वन, मतलब दो वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सी, या तो प्लस वन होगी या फिर माइनस वन होगी। जब प्लस वन हो जाएगी तो हम लोगों के पास क्या बनेगा, यहां से किसका स्क्वायर बनेगा, जब यहां से ये एन स्क्वायर है, यहां जब प्लस वन रखेंगे किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, तो प्लस ये वन बाय फोर, ये किसका स्क्वायर है, एन माइनस वन बाय टू का स्क्वायर है, दिख रहा है, एन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी होगा, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तब एन आएगा। जब हम एन की वैल्यू क्या रख देंगे, टी की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस वन रखेंगे। अभी हमने टी की वैल्यू क्या रखी, यहां से टी की वैल्यू रखी हम लोगों ने, टी की वैल्यू रखी पहले वन, टी की वैल्यू वन रखी, फिर टी की वैल्यू माइनस वन रखी यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एन प्लस वन बाय फोर, ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाय टू का स्क्वायर। कैसे, एन प्लस वन बाय टू का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू से टू कैंसिल, ए बी मतलब वन इंटू एन, तो यहां से हम लोगों का आंसर आ गया, क्लियर। तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस वन बाय टू। ये भी पूछ सकता है किसका स्क्वायर बन रहा है, तो ये एन माइनस वन बाय टू का स्क्वायर भी बन सकता है, एन प्लस वन बाय टू का भी स्क्वायर बन सकता है, क्लियर। कैसे किया, कंपेयर किया हम लोगों ने, देखा यहाँ पे, तो हमें क्वेश्चन देख के पता लग ही जाता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर किससे हम कंपेयर कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम लोग कंपेयर करते हैं, सिर्फ देखने वाली बात सिर्फ एक ही थी कि परफेक्ट स्क्वायर की बात की गई है, मतलब मैक्सिमम पावर कहां तक जाएगी उसकी, कहां तक जाएगी, टू तक, क्योंकि यहां पे स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर मतलब क्या, यहां पे यहां टू है तो क्या यहां थ्री आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, स्क्वायर पूछा, क्यूब क्यूब रहता तो यहाँ क्यूब आ जाता, क्यूब आ जाता, लेकिन क्या पावर फोर आती क्या, नहीं आती। तो यहां पे मैक्सिमम पावर हमें पता है कि एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू, मैक्सिमम टू हो सकती है, और वो होगी भी। अगर यहां आर की वैल्यू जीरो रख दी ना हमने, जीरो रख दी या फिर वन रख दी, जीरो रख दी आर की वैल्यू, तो ये तो वन हो जाएगा, ये तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर आर की वैल्यू वन रख दी ना, तो यहां एन माइनस टी इंटू एन हो जाएगा, एन कॉमन एन इंटू वन माइनस टी, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर, वो नहीं चाहिए हमें, हमें सेम नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, क्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो। तो यहां से सिर्फ देखने वाली बात ये थी कि आर की वैल्यू हम लोग टू रख देंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हम लोगों को, तो मिनिमम पावर टू तो बनती है, यहां से टू बना दी हमने, हमने देखा कंपेयर करेंगे हम लोग ए प्लस बी के स्क्वायर से, तो कंपेयर हो जाएगा, ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, रख दी, तो यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, टी की दो वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि बी की दो वैल्यू थी इसलिए टी की भी दो वैल्यू आएगी हम लोगों के पास, कौन कौन सी आई, प्लस वन और माइनस वन, उसे रख के देख लिया, तो एन माइनस वन बाय टू का स्क्वायर बनेगा, एक बार वन प्लस टू का स्क्वायर बनेगा। तो ये था हम लोगों का सॉल्यूशन, आंसर क्या आया, प्लस माइनस वन, किसकी वैल्यू है, ये टी की वैल्यू आ जाएंगी। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, देखते ही क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों के पास क्या नंबर है हुआ है, वन प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। यहां से क्या एक्स प्लस वन निकल सकता है क्या, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा एक्स माइनस वन, और ए प्लस बी होगा एक्स प्लस वन, तो जो एक्स प्लस वन यहां है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्लियर। अब जहां जो यहां पे a माइनस बी बचा, a माइनस बी मतलब x माइनस वन बचा, वो हो जाएगा इस चीज से कैंसिल, वो हो जाएगा इस चीज से कैंसिल। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि बिना सॉल्यूशन किए, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, अगर हम एक एक स्टेप वाइज करते जाएंगे ना, तो ये बहुत लेंदी पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखो यहां पे हमें देखने को मिलता है, अगर फॉर्मूला याद है तभी कर पाएंगे, कि वन प्लस एक्स क्यूब मतलब वन क्यूब प्लस एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस
कितना हो जाएगा x, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस x, तो 1 प्लस x क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो आप कैसे करना है, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, अगर फॉर्मूला पता है तो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो 1 प्लस x क्यूब क्या होगा, 1 प्लस x का क्यूब इस टर्म्स में a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, ये गिवन है हम लोगों का। इसमें क्या है डिवाइड में x स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लिख दे से, होल डिवाइडेड बाय ये यहां पे है, इसके नीचे यहां है, तो सबसे ऊपर वाले में सबसे नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डिवाइड है, डिवाइड को चेंज करते हैं जब हम लोग, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो क्या करते थे, इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर लो भैया, इन्वर्स कर लिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई बाय में क्या है एक्स माइनस 1 तो है ही है। अब यहां से क्या हो गया, देखो ये एक्स प्लस 1 है ना, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये जो एक्स माइनस 1 है और ये क्या है ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में कैंसिल कर दो। अब यहां क्या बचा 1 प्लस एक्स का क्यूब, क्या बचा 1 प्लस एक्स का क्यूब, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसे हमने कुछ नहीं किया। अब देखो 1 प्लस एक्स का क्यूब मतलब यहां 1 क्यूब कर सकते हैं हम लोग, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा ए प्लस बी, फॉर्मूला हम लोगों के पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस 1 इंटू एक्स कितना होगा माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए बी, मतलब अब ये क्या हो गया यहां से कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आंसर कितना निकल के आएगा 1 प्लस एक्स, क्लियर। ये भी हमने डायरेक्ट किया था, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो फॉर्मूला पता हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है 7x plus 12 plus 7x minus 12 is equal to 3 plus under root 13। यहां पे क्या हम लोगों के पास x फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, यहां देखो अंडर रूट में है, यहां भी अंडर रूट है, यहां भी और यहां भी अंडर रूट है, और एक वैल्यू ऐसी जो कि अंडर रूट में नहीं है, जो कि अंडर रूट में नहीं है, क्या करेंगे इसे अंडर रूट में लिख ले, अंडर रूट में लिख ले क्या ऐसे, क्या होगा उससे कुछ नहीं होगा, अंडर रूट में लिखने से भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां पे अंडर रूट में लिख लेंगे तो 9 हो जाएगा, यहां से कर सकते हैं करना हो तो। देखो दो तरीके हैं, पहला तरीका 7x प्लस 12 प्लस अंडर रूट 7x माइनस 12, यहां भी प्लस हो रहा है, यहां भी प्लस हो रहा है, मतलब किसी एक की वैल्यू रही होगी ये, किसी एक की वैल्यू रही होगी ये, इतनी बात क्लियर है। 3 को लिख दिया अंडर रूट में क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो ये भी अंडर रूट में चाहिए हमको, अंडर रूट 33, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या इसकी वैल्यू हो सकती है क्या, हम लोगों के पास 9 इसकी वैल्यू हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, इसकी वैल्यू 33 हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, क्यों, क्योंकि 7x plus 12 equal to 33 होगा तो 7 equal to 45, लेकिन क्या 7x plus 12 की वैल्यू 33 हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है, कैसे 7x plus 12 equal to 33 तो 12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, लेकिन अगर हम 7x plus 12 is equal to 9 कर देंगे, 7x plus 12 is equal to 9 कर देंगे ना, तो जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, तो कंपेयर करने में ध्यान रखना है, जैसे हमने 7x plus 12 किसका किसके साथ कंपेरिजन करना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहां 7x equal to कितना आ जाएगा माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 3 by 7, x की वैल्यू माइनस 3 बाय 7 हो गई, हो ही नहीं सकता ना ऐसा, x की वैल्यू माइनस 3 बाय 7 रख देंगे यहां से तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना अंडर रूट में, हो पाएगा क्या ऐसा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें जो कंपैरिजन करना है वो ऐसी वैल्यूज के बीच में करना है जो हमेशा पॉजिटिव हो और करेक्ट कंपैरिजन करना है, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू ये हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू ये हो सकती है, दोनों अंडर रूट में है, 7x plus 12 कितना हो जाएगा यहां से, 7x plus 12 कितना हो जाएगा यहां से 33 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 by 7 विच इज इक्वल टू 3, 33 माइनस 12 21, ये 7 यहां गया 3, x की वैल्यू 3 आ गई यहां से, क्या यहां से भी 3 आ सकती है x की वैल्यू, बिल्कुल, देखो 7x minus 12 is equal to क्या है 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ये 12 plus 9 21, यहां से भी 3 आ गया हम लोगों के पास, यहां से भी 3 आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे हम लोग x की वैल्यू 3, या फिर वैल्यू रख के देख लो,
एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो कैंसल, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं, जीरो रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नहीं रखना। हमने क्या रखा, नाइन रखा, नाइन रखा यहां पे तो कितना हो जाएगा, नाइन रखने के बाद सेवन नाइन से 63 माइनस 51, तो अंडर रूट में 51 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। थ्री रखा, सेवन थ्री से 21, 21 माइनस 12, अंडर रूट 21 माइनस 12 कितना होगा, अंडर रूट 9, 3 आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 3 आ गया। यहाँ पे क्या रखा हमने, 3, 7, 3 से 21, 21 प्लस 12, अंडर रूट में है ये, 21 प्लस 12 33, अंडर रूट 33, तो ये आंसर आ गया। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शंस को नेगलेक्ट करेंगे या फिर उसे क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। वन रख के देखो, दिमाग में आया कि वन रखेंगे तो नेगेटिव होगा, वन कैंसल, जीरो रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, कैंसल, एक वैल्यू रख के देख लो, अगर उससे नहीं आता है तो बचा हुआ आंसर ही होगा ना। जब दो ऑप्शन बचते हैं ना हम लोगों के पास, जैसे दो रिजेक्ट कर दी, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि हम लोगों के पास दो आंसर बचे हैं, दोनों में से कोई एक होगा। हम ये मान के चलेंगे कि एक को सॉल्व कर लेंगे तो अगर वो आंसर आता है तो वही ऑप्शन है, अगर वो नहीं आता है तो बचा जो ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है कि दो वैल्यूज को क्या करना पड़ता है, नेगलेक्ट कर दो मैक्सिमम, ठीक है? तो दो वैल्यूज ऐसे निकल के आ जाती है कभी कभी कि क्या हो, उन दोनों से आंसर आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आंसर आ जाए। अगर नहीं आता है तो एक से सॉल्व कर लो, उससे अगर आंसर बैठता है हम लोगों का तो वही आंसर है, नहीं तो जो बचा ऑप्शन वो क्या है, आंसर होगा हम लोगों का।